हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम बताया चाहिए थे कि अब हम लोग इस बुक से डीएलएड की जो दिया गया है बुक, इस बुक से हम लोग इस बुक का मैथ बताएंगे। आशीष पब्लिकेशन का बुक है और प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा डीएलएड का, तो हम देखते हैं इसका मैथ का जो सोल्यूशन है वो, जैसे कि हिंदी है, फिर इंग्लिश है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम आप लोगों को एक वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम लोग इस गणित का, मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है संख्या और पद्धति, उसका हम लोग एक एक बिंदु के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसका जितना भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो चलते हैं, आज का जो हमारा है बिंदु वो है कि सबसे पहला जो है संख्या और पद्धति का कि अंक, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि अंक क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की। तो अंक जैसे देख रहे हैं बुक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ये सभी जो हैं 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको जितना तक बताइए, ये सभी अंक कहते हैं। लेकिन हमारी संख्या पद्धति अथवा दशमिक प्रणाली में ये ही 10 संकेतों का प्रयोग होता है। गणित में ये सभी संख्याएँ इन्हीं अंकों के सहारे बनती है, ठीक ना। इस 0 से लेकर और 9 तक ही ना, कितना भी बड़ी संख्या आप लिख लीजिए कि 5, 3, 7, 8, 9 लिख लीजिए, या 9, 6, 8, 5, 4 लिख लीजिए, या यहाँ से 7, 3, 2, 1, 8, 8, 8, 5, 6, 3 कुछ भी लिखिए, लेकिन 1 से 0 से लेकर आप 9 तक के बीच का ही कोई भी संख्या से आप कोई भी अंक बनाएंगे, कोई भी संख्या लिखेंगे। दूसरा नंबर में है कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। और उसके बाद है जिसमें 1, 2, 3, 4 हो गए पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को संख्यांक 0 को शामिल किया जाता है, जब प्राकृत, या ऐसे भी बोलते कि परिवार में पूर्ण संख्या 0 शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव है, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि विषम संख्या, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सके विषम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं जुड़वाभाज्य की, है ना, उसी तरह सहभाज्य की वीडियो में दिख रहा होगा, तो उम्मीद करते हैं कि उसको आप लिखिएगा, है ना। और हम लोग जो मेन टॉपिक से जो मुद्दा पर हैं, वो मुद्दा ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे आप लोगों को। आपसे पता होना चाहिए कि डीएलएड में ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 10-11 चैप्टर है। एक संख्या और पद्धति, दूसरा चैप्टर है करनी, है ना, और तीसरा चैप्टर है घातांक और लघुगणक, इस तरह से दिया गया है। तो आप चौथा चैप्टर जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, है ना। पाँचवा चैप्टर दीर्घासन, इस तरह से 10 चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको जो बताते हैं वो ध्यान दीजिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कभी कभी दिमाग लगाने लगता है आदमी कि क्या होगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि 2, 2, 2 ये 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की संख्या है, और 100 ये भी 3 अंक की संख्या है। तो क्या ये इससे बड़ी है या छोटी है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है। अब देखते हैं कि 3 अंक का ही कि कोई इससे और बड़ी संख्या हो सकती है। अगर 4, 6, 9 लिखते हैं तो ये इससे बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। सबसे बड़ी जो संख्या होती है 3 अंक का, वो 999 होता है। अगर 999 से हम थोड़ा सा भी अगर एक बढ़ते हैं तो ये 1000 हो जाता है, 1000 जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाती है, है ना। तो हमको 4 अंकों की नहीं, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 3 अंकों की। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है, और सबसे छोटी संख्या क्या होना चाहिए। तो छोटी सबसे छोटी संख्या हो जाए 100। अगर 100 से दोस्तों नीचे अगर हम ले जाते हैं, 1 घटाते हैं तो 99 जो कि 2 अंकों की संख्या हो जाती है, और अगर 1 जोड़ देते हैं तो 101 हो जाता है, है ना, जो कि इससे बड़ी हो जाती है। तो 100
सबसे बड़ी संख्या ऐसे लिख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या बराबर 999 और सबसे छोटी संख्या बराबर 100, दोनों का अंतर तो 999 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 899 आंसर। समझ गए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए कि 90,099 को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाता है। 90,099 तो आपको पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, है ना। 90,000 बोलता है तो यहीं पर रुक जाएंगे, 90,000। तब चलिए, 90,000 बोल रहा है और कितना बोल रहा है, 90,099 लिखना है, 90,099। तो 90,099 और बीच में क्या बच गया था, एक जीरो, है ना। तो इस तरह से 90,099 को लिख सकते हैं, आंसर हो गया। बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन है, ज़्यादा रियल एड में पूछता नहीं है, समझे ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सब संयुक्त परीक्षा। अब हाल फिलहाल में ये सभी चीज़ें लगाना शुरू कर दिया, मतलब पहले डायरेक्ट एडमिशन आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा हमें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें वन से, है ना, और उस संख्या स्वयं से, है ना, वन से और स्वयं से जिस संख्या में भाग लगता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे कि अगर 4 है, है ना, तो 4 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4 लग गया, 4 में फिर 2 से भी लग जाएगा, 2 2 जा 4 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, है ना, और 4 से भी लग जाएगा 4 1 जा 4। लेकिन हमको 1 से और 2 स्वयं से लगाना है। 2 को अब देखिए, 2 में अगर 1 से डिवाइड करते तो 2, है ना, अगर फिर यहाँ देखिए 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कट रहा है, तो 2 ही से ना कट रहा है। अब इसको 3 से लगा सकते हैं, 2 में 3 से भाग लगा सकते हैं, 2 में 4 से भाग लगा सकते हैं, नहीं ना लगा सकते हैं, तो क्या हो सकता है, यही हो गया अभाज्य संख्या। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, है ना, 9 नहीं होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है, ये सभी अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको 90, 23, 29, 33। तो 9 देखिए, 33 जो होगा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। अगर 33 में जो हम डिवाइड करेंगे, 33 में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी कि 11 3 जा, यानी कि 11 3 33 कट गया ना, 3 से भी कट गया, अब ये 11 से भी कट जाएगा, और फिर 1 से भी कट जाएगा, और फिर 33 से भी कट जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है, परेशानी है मेरे भाई थोड़ा जगह का, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट, हमें उम्मीद है। प्रश्न 5 में है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, है। और तो देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस उसी तरह जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए थे 9999, है ना, 1 2 3 और 4 5, 5 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बताए थे 100। छोटी संख्या में ये ध्यान रखिएगा कि 1 और जितना संख्या बता रहा है उतना 0 दे दीजिए, यानी कि 3 अंक बता रहा है तो 1 दो 0 दे, 3 अंक हो गया। उसी तरह 6 अंक का बता रहा है तो 6 अंकों का बता रहा है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 अंकों का 1 हो गया ना सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हो गया 5 अंकों का, सबको घटा दीजिए तो 10 में से 9 गया तो 1, और 9 9 0 0 0 0 0, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1 आंसर होगा। दिखने में तो लग रहा था बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, क्या होगा नहीं होगा,
है ना। तो ये प्रश्न संख्या हो गया था 5। अब प्रश्न संख्या हम पढ़ाएंगे 6। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है, बताइए जल्दी से। अभाज्य संख्या का भी बताए थे रूल्स क्या होता है, जो दो जो वन या स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या कहलाता है ना। तो कौन होगा अभाज्य संख्या बताएंगे जल्दी, अभाज्य संख्या कौन होगा, 27 होगा या 57 या 77 या 97। हाँ तो ये देखिए 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, ये 57 है, ये देखिए 11 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 77 से भी लग 97 है। तो 57 और 97 में से कोई एक हो सकता है एक अभाज्य संख्या, सुनती है 57 को देखिए, 57 को देखिए, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लग जाएगा 57 लग जाएगा ना, 1957 कट गया और फिर 57 से भी लग जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये है जो अभाज्य संख्या है यानी कि 97। उसके बाद है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बस सेम बात है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4×9 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या यानी कि 4×01 पर है ना, बराबर 5 संख्या, 10 में से 9 गया तो 1 है ना, और 9 में से 9 गया 0000 यानी कि 1 आंसर। अब ये था प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8, 232 के दोनों दो के स्थानों, 232 के दो के स्थानों का मान, स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 232 लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसमें आगे का दो पीछे का दो, दोनों दो का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, कि जैसे 5, 5, 8, 3, 3, 8, 9 ये दिया हुआ ना, तो स्थानीय मान होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि अगर 5 का स्थानीय मान पूछ दिया आपसे तो इसका मतलब क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1,000 पर क्या को 0, 1, 2, 3, 4 को 0, यही हुआ इसका 5 का स्थानीय मान। इसी तरह से 232 जो दिया हुआ, 232 में दोनों दो का स्थानीय मानों का अंतर, तो इस दो का स्थानीय मान कितना हो गया, दो इकाई स्थान पर तो सीधे दो, इकाई दहाई सैकड़ा ये कितना स्थान पर, सैकड़ा स्थान पर यानी कि 200, यानी कि 200 में से दो घटा देंगे तो 198 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो प्रथम दो अभाज्य संख्या जो है वो प्रथम एक देखिए एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि वैसी संख्या जो एक और स्वयं दोनों से विभाजित हो, तो ये एक स्वयं तो एक है, एक को एक से विभाजित कर दिया फिर एक को एक से विभाजित करेंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक नहीं है तो दो ट्राई करते हैं, दो आपको बताएं हम पहले इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में कि दो एक अभाज्य संख्या है और दो के बाद तीन भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2, 3, 5 सबसे छोटी दो अभाज्य संख्याओं का योग 5 होता है आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 10, प्रश्न संख्या 10 जो कह रहा है वो है कि 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर करें। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना, 27,307 में दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1,000, तो 7,000 और माइनस कितना 7, इकाई स्थान पर 10 में से 7 गया 3 और कितना हो जाएगा 9 और ये 9 और ये 6 ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो अभी पूरा विस्तृत जानकारी, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, सॉरी 11 तो 11 देखिए 11 जो है तो वो 10 के बाहर ना है। क्वेश्चन में पूछा कि 1 से लेकर
और 10 के बीच का जो है ना कितना अभाज्य संख्या है, तो 2, 3, 5, 7, 11 नहीं होगा, ये कितना हो गया, इसका संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा 81, क्योंकि ये 9 से भी लग इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद 83 होगा, है ना, 83 होगा जो अभाज्य संख्याएं होगा। उसके बाद है इसका 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान देखिए दशमलव में रहता है ना, जब तो दशमलव का कोई मान नहीं रखिए, आप दशमलव के बाद से आपका अपना स्थानीय मान गिनिए, 1 और 2 यानी कि इकाई है दहा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 80, है ना, दहाई 8 का स्थानीय मान 80। उसके बाद है संख्या इतना 1,44,865 निम्नलिखित में से किसके बराबर है, है ना, किससे विभाज्य, सॉरी ये संख्या किससे विभाज्य है, तो देखिए विभाज्यता का नियम आपको जानना पड़ेगा, 1,44,38, 65 विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। विभाज्यता का नियम क्या होता है आपको पता है, विभाज्यता का नियम होता है 1, 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 जब किसी भी संख्या के अंत में रहे तो वह संख्या 2 से ही विभाजित होगा। दूसरा नियम ये है, 3 का नियम ये है कि जो भी संख्या दे उस संख्याओं का योग, यानी कि इसका योग यानी कि 1+4+3+8+6+5 यानी कि 4, 3, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 16, 6, 22, 5, 27 अगर 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगा, है ना। तो सभी दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा, समझ गया। उसके बाद 4 का संख्या का जो देखा जाता है वो लास्ट का 2 संख्या, है ना, लास्ट का 2 संख्या, 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 2 संख्या, यानी कि इतना दिया हुआ है ना 65, तो 65 को आपको सिर्फ जांच करना है, अगर 4 से ये भाग लगेगा 4 × 4 = 2, 5 × 6 = 24 ये लगा नहीं ना लगा मेरे भाई, एक्सेस बच ना भैया हो, तो ये नहीं लगेगा 4 से, समझे, तो इसलिए लगेगा किस चीज़ से लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, है ना, 2 से लगेगा कोई ज़िंदगी में, 2 से लगेगा कोई ज़िंदगी में, देखिए यहाँ पर 5 है कहीं पर, इसके लास्ट में 5 ना है, 0, 2, 4 तो 2 से भी नहीं लगेगा। और 5 का नियम जो होता है वो 5 का नियम होता है कि जब लास्ट में 0 या 5 रहेगा ना तो 5 से विभाजित, तो इसके लास्ट में 5 है ना तो 5 है, तो 3 और 5 से ये पूर्णतः विभाजित है, यही बात कह रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 देखिए, 12,1300 2 दहाई किसके बराबर है, 12,000 12,000 1300 2 दहाई के मतलब 20, है ना, 1300 12,000 इकाई दहाई 17,000 10,000, है ना, इकाई दहाई 17,000 10,000, तो 12,000 पुराना है ना, तो 12,000 1320 हो गया, इकाई दहाई 17,000 10,000, है ना, 10,000, 12,000 1320, इसको ऐसे लिख देंगे 12,000 1320, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से जिस अंक का स्थानीय मान अंकित मान के सदैव समान रहता है, तो 0 होता है, इसमें स्पष्ट रूप से एकदम इजी क्वेश्चन है। इस तरह का जो 2-3 क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ आइए देखिए हल्का क्वेश्चन, भाई मेरे आंसर वो यहीं पर दिया हुआ है, लेकिन आंसर वहाँ देखने से आपको कोई मतलब नहीं है, है ना, आंसर देखिएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसको समझिए कि कैसे बनाया जाता है ताकि यहाँ के बाद के दूसरे एग्जाम में काम आएगा आपको, समझ रहे हैं बात को, तो देखिए
एक से दस तक के बीच के सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? एक से दस के सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होता है एक से दस के बीच में वो होता है कौन? सात होता है। तो सात दो नौ, यानी कि ये होगा जो है ना दो और सात, आंसर समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर एट में एट बाय थ्री, एट बटे थ्री का संयोजी क्या है? तो एट बटे थ्री का संयोजी का मतलब ये होता है कि उल्टा कर देना और चिन्ह बदल देना।